प्योर उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। देहरादून में बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इन कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने एक तरफा कार्रवाई की है। यदि विधानसभा अध्यक्ष सही हैं तो विधानसभा में अब तक हुई सभी भर्तियों की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। बात है तो सुप्रीम कोर्ट से हम केस जो है तब भी जीत के आए थे जब हम लोगों की भर्तियां हुई थी 2016 में। हम वो केस जीत के आए थे तब जनहित याचिका लगी थी, यह लगी थी। तो अभी जो है अभी भी हमारा जो केस है वो विचाराधीन है, लेकिन मैम डबल बेंच में चली गई। जबकि मैम हमें पहले तक कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी डबल बेंच में। फोर्थ कमिंग सर है कि हम यही धरने पे बैठे रहेंगे, आगे की हमारी प्रोसेस यही रहेगी। हमारे बीच में कई सारे लोग जो हैं विकलांग हैं, निश्चित तौर पे अगर उनका वो मानना है तो वो वैसे ही सबने एक्सेप्ट किया है। वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि अगर मैंने गलत किया है तो वो सिद्ध करना चाहते हैं और वो मानते हैं कि मैंने गलत किया, अगर तो उनके खिलाफ जांच हो। लेकिन बाकी के जो अध्यक्ष है विधानसभा के और जो बाकी लोगों ने भर्तियां की है 2001 से, कोई मानने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। और अगर मान भी रहे हैं तो मैडम स्पीकर हैं जो, वो इस चीज़ को नकार रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने सही किया है इसलिए वो अपने को बचा रही हैं। सारे मुख्यमंत्रियों ने विचलन के माध्यम से जो फाइल करी हुई थी वो उनका मैटर है अलग सा।